Good morning, students. Today we shall learn about determiners. Determiners निर्धारक होते हैं, ठीक है? और ये निर्धारक noun या noun phrase के पहले लगाए जाते हैं, किसी संज्ञा या noun phrase के सामने. Relation बताते हैं ये. किन किन टाइप के डिटर्मिनर्स होते हैं चलिए देखते हैं. पहला है आर्टिकल. आर्टिकल आप जानते हैं कौन कौन से? ए, एन, द. इसके अलावा होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, एडजेक्टिव. डेमोन्स्ट्रेटिव, एडजेक्टिव्स. जैसे दिस, दैट, दीज, दोज एटसेट्रा. इसके अलावा पजेसिव एडजेक्टिव्स. जैसे माय, आवर, हिज, योर, हर, देयर. और लास्ट है एडजेक्टिव्स ऑफ quantity or number. जैसे some, any, few, little, many, much, every, all, both, etc. तो ये है adjectives of quantity or number. इससे पहले कि हम कुछ important determiners को देखें, मैं आपको बताना चाहती हूं countable और uncountable nouns के बारे में. आप जानते हैं किन्हें कहते हैं countable, uncountable nouns? Countable nouns. Countable nouns वो होती हैं जिन्हें गिना जा सकता है, ठीक है? जैसे आप बता सकते हैं कौन कौन से countable noun हैं? Pen, copy, books, benches, table. Common nouns are countable. All common nouns, जितनी common nouns होती हैं, are countable. जिन्हें गिना जा सकता है, ठीक है? जितनी common nouns हैं, example के लिए मैंने बताया जैसे pen, books वगैरह, table, etc. ठीक है? That which can be expressed in numbers, जिन्हें गिना जा सकता है, उन्हें countable noun कहते हैं. सारी countable noun जो होती हैं, सारी common nouns जो होती हैं, वो countable होती हैं. और जैसा आपको मालूम है, अगर countable है, तो इनमें singular भी होगा, singular number और plural number, दोनों होती हैं ये. ठीक है, जो अनकाउंटेबल नाउंस होती हैं, जो
जो अनकाउंटेबल नाउंस होती हैं उनको गिना नहीं जा सकता, जैसे शुगर, मिल्क, सॉल्ट, इसको आप गिन सकते हैं क्या? नहीं। तो मटेरियल नाउन मटेरियल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर अनकाउंटेबल। जैसे एंगर, क्रोध, जॉय, मैंने बताया शुगर, मिल्क, सॉल्ट एटसेट्रा, ये सब इनको गिनती नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये सब हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। डिटर्मिनर्स को समझने से पहले आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल को समझना बहुत जरूरी है। सेकेंडली, इनका प्लूरल नंबर नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन्स आर नेवर इन प्लूरल नंबर। ये प्लूरल नंबर में कभी नहीं होती, इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, गुस्से को, खुशी को, शक्कर, दूध, ये सब आप प्लूरल नंबर में बोल सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि ये काउंटेबल है ही नहीं, दे आर ऑलवेज सिंगुलर। तो इनके बाद में काउंटेबल नाउन्स में आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों सिंगुलर में होते हैं, प्लूरल में होते हैं। सिंगुलर नंबर में अगर है तो उसके साथ सिंगुलर नंबर की वर्ब लगेगी, प्लूरल नंबर में अगर है तो प्लूरल नंबर की वर्ब लगेगी। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर नंबर वर्ब ही यूज होगी, ये प्लूरल में नहीं होते हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड इट, यू मस्ट नोट इट डाउन। ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल नंबर में नहीं होते हैं। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर्स को देखेंगे। कैसे उनका यूज होता है, uses of some important determiners. Determiners. आपके कॉम्प्रिहेंशन को सरल बनाने के लिए एक छोटा सा बॉक्स बना के मैं आपको बता रही हूं कि मैं किस तरह से किस डिटर्मिनर को कैसे शो करूंगी और आप उसको कैसे समझेंगे वो क्या है। हम एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, इसको दो पार्ट कर देते हैं। हमारा लेफ्ट साइड वाला पार्ट होगा अनकाउंटेबल नाउन के लिए, हमारा राइट साइड वाला पार्ट होगा काउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है, अब हमको मालूम है कि हमारी अनकाउंटेबल नाउन सिर्फ सिंगुलर नंबर में रहती है, कोई प्लूरल नहीं होता, तो इसको हम ब्लैंक छोड़ते हैं। ठीक है, और काउंटेबल नाउन को हम दो पार्ट कर देते हैं। ये
वाला जो बॉक्स रहेगा ये डिनोट करेगा सिंगुलर नंबर को, और नीचे वाला बॉक्स डिनोट करेगा प्लूरल नंबर को। ठीक है, एस लिखा है एस फॉर सिंगुलर नंबर, एंड पी फॉर प्लूरल नंबर। ठीक है, अब जिस नाउन के बारे में मैं आपको बताऊंगी, मान लीजिए वो नाउन जिस डिटर्मिनर के बारे में आपको बताऊंगी, वो डिटर्मिनर अगर अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है तो हम यहां पर राइट लगाएंगे। ठीक है, अगर वो अनकाउंटेबल के अलावा काउंटेबल और काउंटेबल में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होता है तो हम यहां भी राइट लगाएंगे, यहां भी राइट लगाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा किसी डिटर्मिनर में है तो उसका मतलब आप क्या समझेंगे कि ये डिटर्मिनर अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज हो रहा है, काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज हो रहा है, सिंगुलर में भी यूज हो रहा है, प्लूरल में भी यूज हो रहा है। ओके, मान लीजिए मैंने बनाया इस तरह से, किसी डिटर्मिनर के सामने मैंने इस तरह से बनाया, एक बॉक्स बनाया, इस तरह से इसको पार्ट किया और यहां निशान लगाया, मतलब क्या हुआ? बोलिए बोलिए, बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं, बोलिए आपकी आवाज आएगी, बोलिए। अगर इस तरह से मैंने निशान लगाया तो उसको हम क्या समझेंगे? हाँ, क्या? काउंटेबल प्लूरल नंबर। वेल डन, वेरी गुड। जब इस तरह से निशान लगा है इसका मतलब हम काउंटेबल नाउन में इस डिटर्मिनर को यूज करेंगे, वो भी सिर्फ किसके साथ? प्लूरल नंबर के साथ। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने निशान लगाया इस तरह से बॉक्स बना के इधर, तो हम इसको क्या मानेंगे? यस एग्जैक्टली, हम इसका यूज करेंगे सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। अनकाउंटेबल नाउन में कोई प्लूरल नंबर नहीं होता तो सिंगुलर प्रयोग करने की जरूरत नहीं। और अगर हम इस तरह से निशान लगाते हैं तो आप क्या समझेंगे? ये इसका मतलब है कि वो काउंटेबल नाउन में सिंगुलर नंबर के साथ इस्तेमाल होगा। ये हमारी कोडिंग, ये कोडिंग आप लोग अच्छी तरह समझ गए? अब कोई प्रॉब्लम है किसी को? चलिए, लेट्स मूव ऑन टू सम इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर्स, हाउ यू कैन यूज इट, लेट्स सी। हम सबसे पहले देखेंगे यूज ऑफ सम, एनी। ठीक है, सम और एनी का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी होगा, काउंटेबल नाउन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ होगा, दोनों का इस्तेमाल। अंडरस्टूड? समझ में आ गया अच्छी तरह से? अनकाउंटेबल नाउन में भी हम इसको यूज करेंगे, काउंटेबल में सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज करेंगे। चलिए, इसका पहला यूज, पहले हम देखेंगे यूज ऑफ सम। पहला यूज है विथ एफर्मेटिव वर्ब्स। जहां एफर्मेटिव क्रियाएं हो, जैसे आई हैव बॉट सम बुक्स, मैंने कुछ किताबें खरीदी हैं। ठीक है, इसी तरह से इन क्वेश्चंस वेयर आंसर इज
या सिर्फ क्वेश्चन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. इन क्वेश्चन वेयर आंसर इज यस, वेयर आंसर यस इज एक्सपेक्टेड. आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इसका जवाब आपको यस में मिलेगा, ठीक है. तो वहां पे आप सम का यूज करेंगे. जैसे डिड सम ऑफ यू स्लीप ऑन द फ्लोर. आप में से कुछ लोग क्या जमीन पर सोए थे? आपको जमीन पर सोना पड़ा था, ठीक है. तो अगर आपको यस इस आंसर की अपेक्षा है तो आप यूज करेंगे यहां पे सम. आ रहा है समझ में? तीसरा, इन ऑफर्स और सजेशंस. ऑफर या सजेशन में, जैसे वुड यू लाइक टू हैव सम टी. आप थोड़ी सी चाय लेंगे? वुड यू लाइक टू हैव सम टी. आ रहा है समझ में? तो ये इस तरह से ऑफर सजेशन में, क्वेश्चंस में, अफर्मेटिव वर्ब्स में आप सम का इस्तेमाल कर रहे हैं. एनी इसका अपोजिट है. सम को हम ए, एन और वन का प्लूरल मानते हैं, ठीक है. सम इज द प्लूरल ऑफ ए एन वन. सम का मतलब क्या होता है हिंदी में? कुछ, ठीक है. चलिए, ये क्लियर हो गया. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिटरमिनर विच इज एनी. एनी देखते हैं हम. एनी, अगर आपको सम के यूज ध्यान में है तो उनको रखिए, एनी उसका अपोजिट जाएगा, ठीक है. तो आपको समझने में आसानी होगी, इसलिए मैंने ऐसे डिटर्मिनर्स को चूज किया है जो बिल्कुल आपस में कंट्रास्ट हो, या मिलते जुलते हो या कंट्रास्ट, जिससे साथ साथ समझने में आपको दिक्कत ना जाए. अब हम देखेंगे एनी का इस्तेमाल. एनी, एनी इस्तेमाल किया जाता है सबसे पहले. आपने सम का इस्तेमाल किसके साथ देखा था? एफर्मेटिव वर्ब के साथ. एनी इज यूज्ड विथ नेगेटिव वर्ब्स. इसका इस्तेमाल नेगेटिव वर्ब के साथ होता है. शी हैज नॉट एनी मिल्क. उसके पास कोई दूध नहीं है. आगे समझ में? इसी तरह से आप इसका इस्तेमाल when used with hardly, scarcely, barely. जब इसको hardly, scarcely या barely के साथ use करते हैं, it shows negative meaning. नहीं के बराबर, है ना. ये शब्द ही इस तरह के हार्डली, मुश्किल से, कठिनाई से,
ये इन शब्दों का यही अर्थ होता है, स्कार्सली, हार्डली, बेयरली। तो जब आप इनका इस्तेमाल करते हैं, इन शब्दों के साथ में एनी यूज किया जाता है, तो उसका मतलब होता है नहीं के बराबर। जैसे ही हैज हार्डली एनी टाइम, हार्डली एनी टाइम टू स्पेयर, उसके बाद व्यतीत करने के लिए बहुत कम समय है। मैं और अच्छे से लिखती हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। स्पेयर, ही हैज हार्डली एनी टाइम टू स्पेयर, उसके पास में व्यतीत करने के लिए बहुत 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 कम समय है। ये नेगेटिव मीनिंग है, ठीक है। इसी तरह से तीसरा इस्तेमाल देखेंगे, विदाउट एनी। ये शब्द आपने सुना होगा, विदाउट एनी, बिना किसी। इसका मतलब होता है मींस विथ नो। ठीक है, विदाउट एनी। जैसे द स्टूडेंट्स सॉल्व द क्वेश्चन पेपर विदाउट एनी डिफिकल्टी। विदाउट एनी डिफिकल्टी, विद्यार्थियों ने बिना किसी कठिनाई के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया। तो विदाउट एनी का मतलब हुआ विथ नो, बिना किसी समस्या के, बिना किसी प्रॉब्लम के। ये इसका अगला यूज था। इसका लास्ट यूज है इन क्वेश्चंस। एनी का यूज प्रश्न में, इन क्वेश्चंस। मैंने आपको बताया था कि सम का इस्तेमाल हम ऐसे प्रश्नों के लिए करते हैं जहां हम यस आंसर की अपेक्षा कर रहे हैं, उसी प्रकार से एनी का इस्तेमाल हम ऐसे प्रश्नों के लिए करते हैं जहां हमको नेगेटिव आंसर की अपेक्षा है। ठीक है, हैव यू एनी बुक, तुम्हारे पास कोई किताब है। Usually, इसका इस्तेमाल ऐसे प्रश्नों के लिए किया जाता है जहां हम नेगेटिव की अपेक्षा कर रहे हैं तो हम एनी लगा के पूछते हैं, और जहां हमको आंसर यस की अपेक्षा है वहां हम क्या लगाएंगे, सम। अंडरस्टूड? ये डिटर्मिनर मैं समझती हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर विच इज, हम चार डिटर्मिनर्स को एक साथ लेंगे। मैं डिटर्मिनेंस लिख रही हूं, आप ध्यान कीजिएगा। पिछली क्लासेस में अगर आपने इनके बारे में पढ़ा है, यू नो समथिंग ऑफ इट, देन टेल मी। ओके, दीज आर फ्यू ऑफ यू एंड लिटिल और लिटिल। जरा सोचिए, ये चार डिटर्मिनर्स हम लेंगे, फ्यू ऑफ यू एंड लिटिल ऑफ लिटिल। किसको कहां यूज करना होता है, इसका मतलब क्या होता है, थिंक अबाउट इट। ओके, कुछ सोचा आप लोगों ने? फ्यू ऑफ यू, लिटिल ऑफ लिटिल। मैं बॉक्स बनाती हूं और आप बताइएगा क्या है, कौन सा किसके साथ यूज होगा।
चलिए ये है फ्यू ऑफ यू के लिए, दिस इज फॉर लिटिल अ लिटिल. बताइए फ्यू ऑफ यू का इस्तेमाल होगा काउंटेबल नाउन्स के प्लूरल नंबर के लिए, ठीक है, और लिटिल अ लिटिल का इस्तेमाल होगा अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए. ओके हम पहले एक साथ लेंगे अ फ्यू और अ लिटिल को. ओके अ फ्यू मीन्स अ स्मॉल नंबर, ठीक है. अ फ्यू का मतलब होता है कुछ संख्या में, ठीक है. जैसे आई हैव अ फ्यू नॉवेल्स, ठीक है. इसी तरह से अ लिटिल का मतलब होता है, अ लिटिल मीन्स अ स्मॉल क्वांटिटी. क्वांटिटी, ठीक है. फ्यू का मतलब, अ फ्यू का मतलब कुछ संख्या में, और अ लिटिल का मतलब कुछ मात्रा में, ठीक है. क्योंकि लिटिल जो है वो किसके लिए यूज हो रहा है, अनकाउंटेबल्स के लिए, ठीक है. जैसे देयर इज अ लिटिल शुगर इन द पॉट, बर्तन में थोड़ा सा शक्कर, थोड़ी सी शक्कर है. आ गया समझ में. अब हम देखेंगे फ्यू और लिटिल का यूज. फ्यू एंड लिटिल, जब किसी सेंटेंस में फ्यू या लिटिल लगता है तो उसका मतलब होता है नहीं के बराबर, ऑलमोस्ट नथिंग. समझ में आ रहा है. नहीं के बराबर, ठीक है. जैसे फ्यू सिटीज हैव स्प्लेंडेड ट्रीज, बहुत ही कम शहर ऐसे हैं जहां बहुत खूबसूरत पेड़ हो. शहरीकरण के कारण, अर्बनाइजेशन के कारण पेड़ों को काट दिया गया है, है ना. लिटिल देयर इज लिटिल वॉटर इन द टैंक, पानी पानी की टंकी में नहीं के बराबर है. जब आपने लिटिल लिखा या फ्यू लिखा तो इसका मतलब हो गया ऑलमोस्ट नहीं, ऑलमोस्ट नथिंग. जब आप उसके आगे ए लगा के लिखते हो अ फ्यू, मतलब कुछ, अ लिटिल कुछ. लेकिन अ फ्यू को हम यूज करेंगे काउंटेबल्स के साथ जिनको हम गिन सकते हैं, अ लिटिल को हम यूज करेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ. अंडरस्टूड? ये चारों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से. लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टर्मिना विच इज मच एंड मेनी. मैं नंबरिंग नहीं कर रही हूं, हो सकता है नंबरिंग में गड़बड़ी हो जाए. मैं डायरेक्ट लिखते जा रही हूं, आप कॉपी में नोट कर रहे हैं, आप वहां नंबरिंग कर लीजिए.
हम देखेंगे हमारा अगला डिटर्मिनर विच इज मैनी और मच. ठीक है, मैनी के लिए ये आपका बॉक्स ये बनाया मैंने मैनी. बताइए क्या मतलब हुआ. काउंटेबल प्लूरल, प्लूरल सिंगुलर ऊपर प्लूरल नीचे. काउंटेबल नाउन्स के साथ प्लूरल नंबर के साथ आप मैनी यूज करेंगे. मच का इस्तेमाल आप करेंगे अब बताइए अनकाउंटेबल नाउन के साथ में. ठीक है, काउंटेबल के साथ में मैनी. मैनी का मतलब बहुत सारा, मच का मतलब भी बहुत सारा. जैसे शी हैज मैनी बुक्स ऑन अमेरिकन लिटरेचर. अमेरिकन लिटरेचर के ऊपर उसके पास बहुत सारी किताबें हैं, मेनी बुक्स. ठीक है, देयर इज मच कॉफी इन द कॉफी पॉट. ठीक है, तो आपने देखा मच का इस्तेमाल. अनकाउंटेबल कॉफी को आप गिन सकते हैं क्या? नहीं. काउंटेबल नाउन प्लूरल नंबर आपने क्या यूज किया है उसके साथ में? मैंने यूज किया है. आ गया समझ में अच्छी तरह से? चलिए अगला डिटर्मिनर हमारा डिटर्मिनर एक साथ लेंगे. ईच एवरी ऑल बोथ. ठीक है, ईच एवरी पहचानिएगा इसका इस्तेमाल हम किसके साथ कर रहे हैं. जब हम इस तरह का निशान लगा रहे हैं इसका मतलब काउंटेबल सिंगुलर नंबर. वेरी नाइस, ये है ईच और एवरी के लिए. ठीक है, हम ऑल का इस्तेमाल अनकाउंटेबल और काउंटेबल प्लूरल, प्लूरल आ रहा है समझ में? बोथ का इस्तेमाल पहचानिएगा. हाँ, ये प्लूरल नंबर के लिए और यहां अनकाउंटेबल के लिए आ रहा है समझ में? चलिए इसको अब समझ लेते हैं. When a number of persons or things considered individually
सारे लोगों या चीजों को हम एक एक करके देखें तो ईच या एवरी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? ईच या एवरी इज यूज्ड, ठीक है? व्हेन अ नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स Persons or things considered as a group all, इसके लिए all इस्तेमाल होगा, ठीक है? बहुत सारे लोगों में से, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्येक, ईच और एवरी के लिए प्रत्येक, बहुत सारे बच्चों में से हर कोई। और जब हम नंबर ऑफ पर्संस या थिंग्स को ग्रुप के रूप में कंसीडर करेंगे तो वहां पे आप ऑल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? जैसे इन तीनों को देखते हैं, ईच मैन नोज हिज वीकनेसेस, हर व्यक्ति अपनी कमजोरियों को जानता है। एवरी मैन कमिट्स मिस्टेक्स, हर व्यक्ति से गलतियां होती हैं। All men have, हमने यहां प्लूरल वर्ब यूज कर ली, ठीक है? All men have weapons, हर आदमी के पास हथियार होता है। Each और every के साथ में आप देख रहे हैं knows, commits, singular verb यूज हुई है और all plural है, हम उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं? Have यूज कर रहे हैं। Understood? अब आता है both। Both means the one and the other. Both का मतलब ये और ये दोनों, both का मतलब ही दोनों होता है, ठीक है? मैंने आपको बताया both का इस्तेमाल हम uncountable के साथ भी करेंगे और countable plural के साथ भी करेंगे। जैसे both the doors are open, दोनों दरवाजे खुले हुए हैं, ठीक है? चलिए let's see our next determiner. Which is either neither. American English में इसको either neither भी बोलते हैं, पर हम लोग ब्रिटिशर्स के फॉलोअर्स ज्यादा हैं, we call it either neither. अब English global language होने के नाते उसमें American, British, Australian, Hispanic, हर प्रकार का accent involve होता जा रहा है, तो बहुत सारे Indians को भी आप either neither बोलते भी सुनेंगे। No problem, either, neither. मैं कितना क्लियर लिखूं जिससे आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे व्हाट आई एम राइटिंग? Neither. Any of the two, either. None of the two, neither. दोनों में से एक, either. दोनों में से कोई नहीं, neither. ये तो आप जानते हैं, ठीक है? इनका इस्तेमाल कहां होता है ये हम देख लेते हैं।
ये आपका बॉक्स मैं निशान लगा रही हूँ, मुझे बताइएगा कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अनकाउंटेबल, काउंटेबल, सिंगुलर नंबर, वेरी गुड। एग्जाम्पल मैंने बताया आइदर मीन्स, वन ऑफ द टू, नाइदर मीन्स नन ऑफ द टू, दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, जैसे आइदर ऑफ द गर्ल्स कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को, इस प्रॉब्लम को दोनों में से कोई भी लड़की सॉल्व कर सकती है। नाइदर ऑफ द बॉयज न्यू द आंसर, दोनों में से किसी भी लड़के को जवाब नहीं मालूम था। ठीक है, समझ में आ गया आपको आइदर और नाइदर का यूज बन जाएगा। लड़कियां मुस्कुरा रही हैं क्योंकि उनको खुशी हो रही है, दोनों में से कोई भी लड़की जवाब दे सकती है। लड़कों को दुख तो नहीं हो रहा है, दिस इज ओनली एग्जाम्पल। नाउ द नेक्स्ट डिटर्मिनर, आप लोग गिनती जानते हैं ना, 1 2 3 4, एंड व्हाट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, दोनों में कुछ अंतर है? सेम है। अच्छा, वेरी गुड, चलिए हम आपको बताते हैं दोनों में क्या अंतर है। वन टू थ्री फोर सो ऑन। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, क्या अंतर है दोनों में? कोई अंतर है कि दोनों सेम है? एक 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 ही है ना, ये एक है और ये पहला है, ये दो है, ये दूसरा है, ये तीन है, ये तीसरा है, ये चार है, ये चौथा है, ये अंतर है। इनको हम बोलेंगे कार्डिनल नंबर्स। और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इनको हम बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। आ रहा है समझ में? ये कार्डिनल नंबर्स 1 2 3 4 गणक संख्याएं, ठीक है। और ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, पहला दूसरा तीसरा चौथा, सीरीज ऑर्डर बताते हैं, क्रम बताते हैं, इनको कहा जाता है ऑर्डिनल नंबर्स। आया समझ में? अब हम ये देखें कि ये कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स इनका यूज कहां होता है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, वन फर्स्ट सेकेंड थर्ड सो ऑन सो ऑन सो ऑन,
इन सब को क्या मतलब हुआ? काउंटेबल सिंगुलर, गलती मत कीजिएगा इनको प्लूरल समझने की, सेकेंड थर्ड दूसरा तीसरा, इन सब के साथ जो वर्ब लगेगी सिंगुलर वर्ब ही लगेगी। वन भी हमने शामिल किया है कार्डिनल नंबर से, ये कार्डिनल नंबर है, ये सब ऑर्डिनल नंबर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। अब टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, ये सभी काउंटेबल में प्लूरल्स की तरह से ट्रीट होते हैं। आ रहा है समझ में? क्या फर्क है दोनों में? आपने ऑर्डिनल नंबर से सारे जितने फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ जितने, ये सब सिंगुलर वर्ब लेंगे अपने साथ में, इंक्लूडिंग वन कार्डिनल नंबर, और बाकी सारे कार्डिनल नंबर टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इन्फिनिट, ये सब क्या लेंगे? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होंगे, और इनकी वर्ब भी कैसी रहेगी? प्लूरल रहेगी। आप ध्यान से समझिए, इसका एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको अभी समझ में आएगा। सोचिए किस तरह से आप करेंगे। ओके, अब जैसे आपको एग्जाम्पल दूं, टू फ्रेंड्स वे टॉकिंग, दो दोस्त बात कर रहे थे, टू फ्रेंड्स हमने लिया तो यहां पे वेयर आ गया प्लूरल नंबर, ठीक है। द फिफ्थ स्टूडेंट गॉट द प्राइज, पांचवें विद्यार्थी को इनाम मिला। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर का। एक लास्ट डिटर्मिनर और समझ लीजिए, दैट इज नो नन, नो नन, no one, none means no one, not one, कोई नहीं, नहीं और कोई नहीं, जैसे ध्यान लगाइएगा, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होंगे, जैसा आपका डायग्राम बता रहा है। जैसे आई एट नो चिप्स, नन ऑफ द गर्ल्स इज प्रेटी, कोई नहीं, इस तरह से आप नो और नन का इस्तेमाल करेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ में। फाइनली हम अपने फर्स्ट
डिटर्मिनर जो मैंने आपको बताया था विच इज आर्टिकल, आर्टिकल को देख लेते हैं. आर्टिकल दो टाइप्स के होते हैं एज यू नो, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा. पहला इनडेफिनेट आर्टिकल, जैसे ए और एन. ए और एन जो है ये है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ वन. वन को शॉर्ट में ए या एन कहा जाता है, ठीक है. उसी तरह से दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल, मैं इसको कैपिटल में लिखती हूं. डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल है द, जो कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ दीज दोज एटसेट्रा, ठीक है. अब आपको देखना है कि जो इनडेफिनेट आर्टिकल से ए और एन, इसका इस्तेमाल कहां पे होगा. हमारा जो डेफिनेट आर्टिकल है जैसा दीज दोज दिस दैट का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है द, इसका इस्तेमाल हम कहां करेंगे. पहले हम देखते हैं हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल ए. जनरली एक बहुत साधारण सी गलतफहमी हमारे दिमाग में रहती है ए के बारे में कि जो स्पेलिंग, जिस वर्ड की स्पेलिंग कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती है हम उसके आगे ए लगा देते हैं. यहां स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं है, हमको ध्यान देना है साउंड पे, प्रोनाउंसिएशन पे. तो प्रोनाउंसिएशन जो कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड्स इनके आगे हम ए लगाएंगे, ठीक है, जिनका साउंड कॉन्सोनेंट है. आ रहा है समझ में. जैसे अ बुक, अ पेन, अ कॉपी, अ टेबल. मैं एक शब्द लिख रही हूं, बताइएगा मैं ए लगाऊं कि एन. वन आईड मैन, बताइए ए लगेगा कि एन. बेटा ए लगेगा, ध्यान करेंगे क्योंकि वन है, ओ का उच्चारण डब्ल्यू हो रहा है यहां पे, ठीक है. उसी तरह से यूरोपियन बॉय, यूरोपियन बॉय. आप बोलेंगे हमारे वोवेल ए ई आई ओ यू होते हैं तो हमको यहां पे एन लगाना चाहिए. बिल्कुल नहीं, हम यहां ए लगाएंगे क्योंकि इसका उच्चारण हो रहा है वाई यू जो कि कॉन्सोनेंट है. आपको साउंड पे ध्यान देना है, क्या साउंड आ रहा है. यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, बताइए क्या लगेगा, ए लगेगा कि एन. ए लगेगा बेटे, ये ध्यान कीजिएगा. वाई यू, ये फिर यू हो रहा है. यू का प्रोनंसिएशन जब अ हो जैसे एम्ब्रेला, तब आप एन लगाएंगे. देखिए ए और एन दो टाइप के आर्टिकल्स ही इसलिए होते हैं टू ईज द प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन को ईज करने के लिए, आसान करने के लिए, सरल करने के लिए. थोड़ा सा कठिन होता है ना ए अम्ब्रेला बोलना, ए अम्ब्रेला है ना, एन अम्ब्रेला. स्पोकन इंग्लिश में आप आसानी से प्रोनंसिएशन कर सके इसलिए ए और एन दो यहां पे आर्टिकल है. नहीं तो हम सबके सामने ए लगा सकते थे, हमको एन की क्या जरूरत थी. ए ई आई ओ यू, ये जो वॉवल्स हैं इनका जब साउंड आता है उसके प्रोनंसिएशन को ईज करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हम एन का भी उपयोग करते हैं. आया समझ में. तो पहली चीज ये आप समझ गए कि जो हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल है, इनडेफिनेट इसलिए है कि ये किसी पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर पर्सन को
स्पेसिफाई नहीं करता, इसलिए ये इंडेफिनेट आर्टिकल है. ओके, ए का यूज करेंगे हम कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड के साथ. और अब हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा अगला आर्टिकल विच इज एन. एन का इस्तेमाल एन यूज होता है वोवल साउंडिंग वर्ड्स. हमारे वोवल्स कौन कौन से हैं आपको पता है? वोवल्स ए ई आई ओ यू. यहां इनके साउंड से जो आएगा, जैसे एन आउल, एन अम्ब्रेला, एन ऑक्स, बन जाएगा एन एप्पल. ढेर सारे शब्द हैं, आप जितना सोचेंगे उसके प्रोनाउंसिएशन पे जाइएगा, आपको पता चलेगा कहां पे ए का यूज करना है और कहां पे एन का यूज करना. फाइनली हमारा जो डेफिनेट आर्टिकल है द, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता रही हूं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. जो चीजें आप नहीं जानते हैं उन चीजों के बारे में हम ज्यादा बात कर रहे हैं. जो कॉमन सी चीजें हैं कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन के आगे लगता है, उन चीजों के लिए, जैसे समुद्र का नाम हो गया, कॉन्टिनेंट्स हो गए, डायरेक्शंस हो गए, दि सन, दि अर्थ, दि रामायण, दि महाभारत, ये चीजें आप लोग जानते हैं. जो नहीं जानते हैं मैं उन चीजों के बारे में बात करूंगी, इस शब्द के प्रोनंसिएशन के बारे में. इसका प्रोनंसिएशन क्या होना चाहिए? कुछ लोग इसे द बोलते हैं, कुछ लोग दी बोलते हैं. थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होते आप लोग कि इसको द पढ़ा जाए कि दी पढ़ा जाए? मैं आपके सामने तीन वाक्य लिखती हूं और आप लोग पढ़ के देखिएगा उसको कैसे पढ़ना है. मैं नहीं पढ़ रही हूं कि आप लोगों को पता चल जाएगा, मैं सिर्फ लिख रही हूं. कोशिश कीजिएगा इसको पढ़ने की. हमारे सामने द के प्रोनंसिएशन दिख रहे हैं. पहला है दिस इज द द. चलिए बताइए अब कहां पे कैसे पढ़ेंगे, मैं बताती हूं, ध्यान से सुनिएगा. दिस इज दी बॉय. दी, आप द लिख के बड़ी मात्रा लगाते हैं, दी ये है, आप जोर दे रहे हैं इसके ऊपर. दिस इज दी बॉय हु आई वॉज टॉकिंग अबाउट. द के प्रोनंसिएशन पे यहां आपने एम्फेसिस किया है, जोर दिया है. आ रहा है समझ में? दिस इज दी बॉय हु आई वॉज टॉकिंग अबाउट. ये वही लड़का है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी. सेकेंड, यहां पे ऑक्स है, ठीक है, ऑक्स वॉवल. तो वॉवल से जब कोई स्पेलिंग शुरू होगी आप बोलेंगे दी, छोटा वाला दी. The ox is a useful animal. ये दी है और ये दी है, समझ में आ रहा है अंतर? और यहां पे कॉन्सोनेंट से स्पेलिंग शुरू हो रही है, काउ, तो यहां बोलेंगे आप द. समझ में आया? तीनों उच्चारण में डिफरेंस. पहले में किसी खास लड़के के बारे में बात हो रही है, आपने वहां दी बॉय कहा, ठीक है, एम्फेसिस आया.
इधर पे वॉवल है बिफोर वॉवल, बिफोर वॉवल के पहले आप दी छोटा लंबा चौड़ा मत लीजिएगा, और उसके बाद फाइनली काउ के पहले आपने बिफोर कॉन्सोनेंट, आप क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। अब बिल्कुल शॉर्ट मैं आपको इसके यूजर्स बता देती हूं फटाफट, उसके बाद तुरंत हम लोग फिनिश करेंगे इसको। जैसा आप जानते हैं डेफिनेट आर्टिकल है, इसका उपयोग होगा जैसे किसी खास चीज के लिए, पर्टिकुलर चीज के लिए, जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, वो पेन द पेन इज जैपनीज, वो पेन जैपनीज है। यहां पे आपने अ पेन लगाया है, एक सामान्य से पेन की बात हो रही है, यहां पे उसी खास पेन की बात हो रही है, तो यहां आपने द यूज किया है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था नेम्स ऑफ ओशंस, सीज, गल्फ्स, इनके आगे द लगेगा। नेम्स ऑफ फेमस बुक्स, रामायण, महाभारत, वेद, सब क्या, इसके अलावा नेम्स ऑफ द प्लैनेट्स, द सन, द मून, द अर्थ, जानते हैं आप, नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, द ईस्ट, वेस्ट, सबके आगे आप द लगाएंगे। बहुत कॉमन, खास चीज के सामने आप द का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा इसका इस्तेमाल होता है सुपरलेटिव डिग्री में। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ, द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयस, तो ये सुपरलेटिव डिग्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जब आप किसी कॉमन नाउन के खास पूरे ग्रुप के बारे में बात करेंगे, जैसे द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, तो आप काउज के बारे में बात कर रहे हैं, उनके पूरे ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, वहां भी आप द का इस्तेमाल करेंगे। तो आज जो हमने पढ़ा डिटर्मिनर्स, ध्यान से इनको प्रैक्टिस कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, रिवाइज कीजिए और यूज कीजिए। आप समय के साथ साथ इसमें ज्यादा योग्य होते जाएंगे। सी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।